السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم حاضرين الكرام अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में जहां रमज़ान की फजीलत बयान फरमाई उसी के साथ अपने पाक कलाम को भी जोड़ दिया और इसकी वजह इरशाद फरमाई कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। तो आइए आज आपको कुरान मजीद के बारे में चंद बातें बताई जाएं। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। कलाम यानि बातचीत। जब बंदा कुरान मजीद पढ़ता है तो गोया कि वो अपने रब से हम कलाम होता है। कुरान मजीद का नुज़ूल एक ऐसा अज़ीमुश्शान इवेंट था तारीख़ इंसानियत में, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद नाजिल फरमाया तो ये एक ऐसा अज़ीमुश्शान इवेंट था कि जिसको अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, इसको मनाया जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसी कुरान के नुज़ूल के सिलसिले में रमज़ान का महीना हमको इनायत फरमाया और इसी कुरान के नुज़ूल की वजह से अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ करार दिया। इसी कुरान के नुज़ूल की वजह से अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान की रातों में अल्लाह के हुजूर में ठहर कर उसी का कलाम उसी के हुजूर में पढ़ना, इसका अजर व सवाब बयान फरमाया। तो ये सारी बातें हमको बताती हैं कि दुनिया में बड़े बड़े काम हो सकते हैं, बड़े बड़े तारीखी वाकयात पेश आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम शान सबसे बड़ा तारीखी वाकया अगर कोई है तो वो बंदों की हिदायत के लिए कुरान मजीद का नुज़ूल है। इसीलिए इस कुरान मजीद के नुज़ूल के खुशी में, उसी के शुक्राने में और उसी का शुक्राना अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने इन रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। आइए हम देखते हैं कि कुरान की क्या फजीलत और उसकी क्या शान है जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम में और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस शरीफा में बयान फरमाई है। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान एक ऐसी अजीम शान किताब है, इसके अंदर इतना पावर है, इसके अंदर इतनी एनर्जी है, इसके अंदर इतनी रूहानी कैफियत हैं कि अगर इसका नुज़ूल बड़े बड़े पहाड़ों पर होता तो ए मुखातब तो देखता कि अल्लाह की खशियत और उसके खौफ की वजह से यह अजीम शान बड़े बड़े पहाड़ उसके खौफ से रेजा रेजा हो जाते। ये बातें अल्लाह ताला मिसाल के तौर पर इसलिए बयान फरमाता है ताकि तुम इसके ज़रिए से सोच और फिक्र हासिल करो और जानो कि अल्लाह का कलाम कितना अजीम शान कलाम है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और कुव्वत दी थी कि आपके कल्ब मुबारक पर कुरान मजीद का नुज़ूल होता था और आपका कल्ब मुबारक नुज़ूल वही की शिद्दत को बर्दाश्त करने के काबिल अल्लाह ताला ने बनाया था। चुनांचे हम देखते हैं कि इस कुरान को जब अल्लाह ताला ने नाजिल किया तो उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद अपने ऊपर लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही अब इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। चुनांचे आज सारी दुनिया देख रही है कि नुज़ूल कुरान के 1500 बरस होने के करीब हैं और इस लंबे अरसे में कितनी कोशिशें की गईं, कितनी साजिशें की गईं और कैसे कैसे तरीक़े इख्तियार किए गए कि इस कुरान को मिटाया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, इसके अंदर तब्दीली की जाए, इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान ही नहीं दुनिया के तमाम अकवाम और बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स इस बात का इतराफ़ करते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद जिस अंदाज में कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, आज भी मुसलमानों के पास ये अल्लाह की किताब जूं की तूं महफूज है। इसके अंदर
एक लफ्ज़ की कमी बेशी नहीं, इसके अंदर कोई ज़ेर ज़बर की कमी बेशी नहीं, इसके अंदर एक नुक्ते की कमी बेशी नहीं, इसके अल्फाज महफूज, इसके मानी और मतालिब महफूज, इसके तराजिम महफूज, इसकी तफासिर महफूज और इसके उठाने वाली कौम उम्मत मुहम्मदिया भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज।